तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आज हम टेस्ट करने वाले हैं Redmi Note 9 Pro Max का कैमरा टेस्ट। जी हाँ, ये 32 मेगापिक्सल का जो फ्रंट कैमरा है, इससे ये वीडियो शूट हो रही है। आप इसकी क्वालिटी चेक कर सकते हैं, काफ़ी सही लग रही है। और हम इसका बैक के फुटेज भी आपको दिखाएंगे और आप खुद से जज कीजिए। बाकी हम अपना ओपिनियन तो देंगे ही और साथ में कंपेयर भी करेंगे अलग स्मार्टफोन जो हैं उनके कैमरे से, क्योंकि हमने कई स्मार्टफोन के कैमरे टेस्ट किए हैं, जैसे कि Realme 6 Pro और Poco X2। तो कैमरे की बात चले तो यहाँ पे आपको हम बता देते हैं कौन से सेंसर इसके अंदर यूज किए हैं। तो इसके अंदर 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, जो कि आपका सैमसंग का GW1 सेंसर यूज किया गया है। 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, 5 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा लेंस और 2 मेगापिक्सल का आपका डेप्थ कैमरा दिया हुआ है। 32 मेगापिक्सल जैसा आपको पता ही है कि फ्रंट सेल्फी दे रखी है। तो आपके सामने अब सारे के सारे मैं फुटेज डालने वाला हूँ, सारी की सारी वीडियोज डालने वाला हूँ। आप खुद से जज कीजिए कि आपको ये कैमरे सैंपल्स कैसे लगते हैं। बाकी हम लास्ट में अपना ओपिनियन देंगे कितना यहाँ पे किस चीज क्षेत्र में ये वीक है, किस क्षेत्र में स्ट्रांग है।
तो फाइनली अब बात करें अगर हम अपने ओपिनियन की, हमें ये कैमरा कैसा लगा, नाइट रात दिन जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका कैमरा सैंपल यानी फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में काफ़ी ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करता है फोटोज़ में भी और वीडियोज़ में भी। ये पोको X2 से भी बेटर कैमरा है फ्रंट का, इसका 32 मेगापिक्सल का जो दिया हुआ है। वहीं पर बात कर लेते हैं बैक कैमरे की, तो बैक कैमरे में ये जो पोको X2 से नाइट में मार खा जाता है, यानी नाइट की जो इसके फोटोज़ और वीडियोज़ क्वालिटी उतनी बेहतर नहीं है, लेकिन डेज की बिल्कुल एकदम जो दिन की अगर फोटो और वीडियो क्वालिटी की बात करें तो भाई ये पोको X2 जैसा ही है, लगभग सिमिलर एक ही जैसा है, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। अगर आप मतलब आमने सामने इनके दोनों के फुटेज रखेंगे तब भी आपको ज़्यादा कोई फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। तो मेरे हिसाब से इसका जो कैमरा है बहुत ही अच्छा है, ठीक है। आपको अंडर 20,000 के अंदर अगर एक कैमरा फ़ोन चाहिए तो ये मोबाइल बेस्ट हो जाता है। बस डिपेंड करता है आपको इसकी डिज़ाइन और इसका जो डिस्प्ले दे रखा है 60Hz वाला, ये अच्छा लगता है या नहीं लगता है। क्योंकि जो अलग फ़ोन है पोको X2 की बात करें तो वहाँ पे 120Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, तो वहाँ पे ये मात खा जाता है। बाकी आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।